विश्वविद्यालय के उद्यान अनुसंधान केंद्र पत्थरचट्टा द्वारा आकाश एयरफोर्स मेस नई दिल्ली में 14 जुलाई 2024 को आम महोत्सव का आयोजन किया गया। उद्यान अनुसंधान केंद्र वर्ष 1968 में विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। इस केंद्र द्वारा विभिन्न फलों की प्रजातियां जैसे आम, बेल, पपीता, अमरूद, आड़ू, आलू बुखारा, कटहल तथा अन्य तकनीकियां विकसित की गई हैं, जिसमें आम की प्रमुख प्रजातियां जैसे पंत सिंदूरी व पंत चंद्र किसानों को बागवानी के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। इस प्रदर्शनी में पंतनगर विश्वविद्यालय में उत्पादित की जा रही 236 में से 28 प्रजातियों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर सेना के CDS जनरल श्री अनिल चौहान जी, तीनों सेना के प्रमुख, उनके प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों, आमंत्रित अतिथियों के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चौहान जी भी मौजूद रहे। महोत्सव के दौरान आम की सबसे कम वजन अंगूरलता, अधिक वजन हाथी झूल एवं रंगीन प्रजातियां विशेष रूप से चर्चा में रहीं। जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय लगातार देश की सेवा कर रहा है और विश्वविद्यालय के द्वारा अभी आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में, चाहे वो फसल में हो, चाहे वो दलहन में हो, चाहे वो हमारे हॉर्टिकल्चर में हो, चाहे वो बागवानी में हो, नई नई किस्म की प्रजातियां विकसित की गई हैं। इसी विश्वविद्यालय के द्वारा आम में भी काफ़ी प्रजातियां विकसित की गई हैं। मुझे कहा गया है कि लगभग 56 प्रजातियां हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई हैं। आम में आप देखते हैं कि दशहरी आम है, अल्फांसू है, चौसा है और लंगड़ा है। ये आम तो हमारे विश्वविद्यालय में बड़े अच्छे ढंग से पैदावार इनकी होती है और यहाँ पर ही नहीं, वो ये पूरे देश में इस जो वैरायटी जो हमारे द्वारा विकसित होती हैं उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। सभी लोग उसको अच्छा मानते हैं कि पंतनगर के विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित ये आम की प्रजातियाँ वास्तव में भिन्न है। जो हमारी जो टीम है इसमें डॉक्टर AK सिंह और उनका जो ग्रुप है जो इसमें लगातार काम कर रहा है, नई नई खोजें इसमें हो रही हैं, उनको मैं बधाई देता हूं और इसी ढंग से वो विश्वविद्यालय में आगे भी नई वैरायटियां विकसित करेंगे ताकि उससे हमारे विश्वविद्यालय में हमारा इनका नाम भी बढ़ेगा और जो हमारे जो ड्यूटीज़ हैं, जो हमारा कर्तव्य है कि नई नई खोज के द्वारा हम अपने किसानों तक पहुँचना और उनको किसानों तक ये नई वैरायटी और प्रजातियाँ विकसित करके उनको देना, ये हम इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। और मैं ये जो समझता हूँ कि अगर इस हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे तो ज़रूर, जैसे विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है, पूरा देश भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 16 जुलाई 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर आम विविधता प्रदर्शनी के दौरान कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पंतनगर आम के देर से पकने वाली किस्म पंत ऑटम का अवलोकन किया।